तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर घर में गए तो उनकी पत्नी ने तो खाया नहीं,
क्योंकि पतिदेव का तो मन था कि हमारा वंश चले, और पत्नी के मन में ये था कि हम गर्भ धारण करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। आजकल की स्त्रियां जो है वो नारायण परिश्रम से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए, तपस्या से बचने के लिए अनेक उपाय करती रहती हैं। तो वो जो धुंधली जी थी उनका उनकी उनके लक्षण ऐसे बताए हैं कि सौभाग्य स्थापिका नित्यम, जो उनके मुंह से निकल जाए वही होना चाहिए। और गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें पहुंच के स्वयं एक पक्ष ले करके बोलने लगती थी, और बोलती बहुत थी, क्योंकि जो बहुत बोलता है वो झूठ जरूर बोलता है और वो दूसरों को तकलीफ जरूर पहुंचाता है। ये बहुत बोलने का आप देख लेना, बहुत बोलने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता होगा और दूसरों को तकलीफ से पहुंचाएगा, और अपनी अपनी बात पर जिद करेगा, दूसरे की बात समझने की कभी कोशिश नहीं करेगा। तो उन्होंने तर्क वितर्क करके वो फल तो खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और अपनी बहन से सलाह करके एक धुंधुकारी नाम का पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया। अब आत्मदेव जो ब्राह्मण थोर थे उनको तो पुत्र होने पर भी नारायण धुंधुकारी पुत्र हुए उनको तकलीफ देने लगे, तो वो तो चले गए तपस्या करने, और दशम स्कंद का पाठ करके उन्होंने आदिदैविक रूप से गोलोक को प्राप्त किया, भगवान के धाम में चले गए। और वो जो तीसरा विभाग है वो आदि भौतिक विभाग है कि धुंधुकारी जो है उन्होंने बड़ा उद्यम मचाया, धुंधुकारी उद्यम मचाने वाले होते ही हैं। अब उसका हाल ये हुआ कि वो अनाचारी विचारी हो गए, और पिता के मरने के बाद तो माँ से भी सब पैसा ले लिया और उसको भी मारा पीटा, मर गई वो। और नारायण इधर उधर से चोरी से बेईमानी से, क्योंकि जब आदमी भोगा सख्त हो जाता है तब दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है। मानुपहत्य भूतानी भोग संभवती, भगवान है नारायण व्यास कहते हैं पातंजल भाष्य में, जो भाष्य में नानुपहत्य भूतानी भोग संभवती, जब तक मनुष्य दूसरों को तकलीफ नहीं देगा तब तक वो ज्यादा भोग नहीं कर सकता। स्वयं जब भोगी बनेगा तो दूसरे को तकलीफ देगा, वो तो सांप हो जाएगा। संस्कृत में भोगी माने सांप होता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला बन जाएगा। अब वो तो कष्ट पहुंचाने लगा, तब जो पांच उन्होंने बाजू पाल उसने बाजोरी और बाजारू औरतें रख छोड़ी थी, पांच वो इंद्रिय जो है पांचों इंद्रिय इनको पंच पैण्य बधूकृता, ये पांचों बाजारू औरत हैं, ये घर में रहना पसंद नहीं करती हैं, इनकी नजर हमेशा बाहर रहती है, बाजार से ये लाओ बाजार से वो लाओ। एक तो ये बात हुई, और दूसरे बाजारू औरत माने वेश्या, उसने पांच वेश्याएं पाल रखी थी घर में, और उन्हें भोग देने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कान को भी सुंदर भोग चाहिए, आंख को भी चाहिए, त्वचा को भी चाहिए, नाक को भी चाहिए, जीभ को भी चाहिए, और ये एक निष्ठ तो होती नहीं है, तो जगह जगह से उसको पैसा लाना पड़ता चोरी करके डाका डाल के। अब एक दिन जब बहुत धन लाया तब इन स्त्रियों ने सोचा कि ये तो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, धन भी जाएगा, तो उसी को मार के उन्होंने कुएं में डाल दिया। आत्मा का कभी नाश तो होता नहीं है, एक शरीर वाला रूप तो रहता है भौतिक, एक वासनामय रूप रहता है इस जीव का, और नारायण वो वासनामय रूप जो है वो शरीर छूटने पर भी अपनी वासना के अनुसार बना रहता है। जैसे आप कभी स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में आप कुछ बन के कुछ खरीद रहे हो, कहीं रो रहे हो, कहीं खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपका एक शरीर स्वप्न में बन जाता है। उसी समय यदि इस स्थूल शरीर से संबंध टूट जाए
तो आपका वो स्वप्न जो है वो बहुत स्थायी बन जाएगा। स्वप्ने तथा पश्यति देहमी दृशम, अब वो स्वप्न कब टूटेगा, जब ये शरीर रहता तब तो टूट भी जाता, लेकिन अब वो स्वप्न में जो शरीर आपने धारण किया है वो कब टूटेगा इसका कुछ पता नहीं रहता है। तो वो वासनामय शरीर जो है वो स्वप्न के तंतुओं से ही बनता है, स्वप्न की वासनाओं से ही बनता है, परंतु जितना वासना में वेग होता है उतना स्थायी होता है। तो कोई मरने के समय मूर्छित हो जाता है, कोई मरने के समय बिना स्थूल शरीर के भूत प्रेत होके भटकने लगता है, किसी का पुनर्जन्म हो जाता है, कोई पितृलोक में जाता है, कोई देवलोक में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है, नारायण कोई भगवान के धाम में जाता है और कोई मुक्त हो जाता है। तो मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है। दुनिया में जितने मजहब हैं, मजहब वो हो ही नहीं सकता जो मरने के बाद आत्मा को न मानता हो। कोई भी धर्म हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सिख हो, यहूदी हो, नारायण मरने के बाद सब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, ईश्वर को माने कि न माने इसमें तो मतभेद है। बौद्ध जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को वे मरने के बाद भी वासनात्मक रूप से मानते हैं, और नारायण मरने के बाद भी सब धर्मों में कुछ न कुछ किया जाता है। नारायण जब धुंधुकारी जी मरे, बड़ी दुर्गति हुई उनकी, प्रेत हो गए, और गोकर्ण जो पैदा हुए थे उस आम के फल से, गाय ने जो आम का फल खाया था महात्मा का दिया हुआ, उससे गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हुए थे, और वे तो बड़े धर्मात्मा सदाचारी भगवत तत्व के ज्ञाता थे, उनके कान तो गाय के समान थे, और ये उनका नारायण आदि भौतिक रूप का वर्णन किया हुआ है। अभी भी कई तरह के बालक पैदा होते हैं, देखने में आते हैं, किसी के सींग हो जाती है, किसी के चार हाथ हो जाते हैं, किसी के छह उंगली हो जाते हैं, किसी के दो सिर हो जाते हैं, किसी के चार पांव हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। तो वो पैदा तो हुए मनुष्य के रूप में, लेकिन दोनों कान उनके गाय शरीर के थे माता की तरफ, बड़े भारी ज्ञानी थे, सदाचारी थे, धर्मात्मा थे, उन्हीं के उपदेश से पिताजी ने तो अपनी मुक्ति प्राप्त कर ले, गोलोक में चले गए, और वो चले गए तीर्थ में, इधर धुंधुकारी की ये दुर्दशा हुई। अब जब कभी लौट के अपने घर में आए तो प्रेत के रूप में धुंधुकारी की का दर्शन उनको रात के समय हुआ, और उसने प्रार्थना की कि हमारी ये दुर्गति मिटाओ। गोकर्ण ने सब महात्माओं से सलाह की, अब सलाह से नारायण कोई समस्या हल नहीं हुई कि इस धुंधुकारी की दुर्गति कैसे दूर हो सकती है, कैसे सदगति हो सकती है। महात्माओं से उन्होंने पूछा, महात्माओं ने ये सलाह दी कि सूर्य की गति का स्तंभन करो नारायण। तो सूर्य की गति का उन्होंने, महात्मा के संकल्प में कितना सामर्थ्य होता है, महात्मा का चित्त ही आकाश है, वो अपने को आकाश चित्त का चित्ती के रूप में अनुभव करता है। आकाश कोश तनवो तनवो महांत, जिसमें सूर्य नारायण घूमता रहता है, वो आकाश मेरा स्वरूप है। और जब संकल्प दृढ़ हो गया, सूर्य को उन्होंने स्तंभित कर दिया, और सूर्य को स्तंभित करके पूछा इसकी सदगति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने बताया कि इसके लिए श्रीमद् भागवत का तुम श्रवण कराओ। अब नारायण आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, हमारे भाई हनुमान प्रसाद जी थे, उनको यहाँ एक पारसी, मृत पारसी प्राप्त हुआ था, मिला था समुद्र के किनारे, तो भजन करते थे, तो ये सब तो कुछ नहीं था मेरे ड्राइंग था। और उसने बताया कि हमारे इतने 25,000 रुपये हम जगह रखे हुए हैं, घर वालों को पता नहीं है, आप उनको बताइए, जब मिलेगा तो आपके कहे अनुसार हमारा श्राद्ध कर रहे हैं। तो भाई जी ने उसका श्राद्ध करवाया, तो हमारा भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि मरने के बाद
आत्मा की सदगति श्रीमद् भागवत से ही होती है। तो गोकर्ण ने फिर सूर्य की आज्ञा मान करके श्रीमद् भागवत किया और पहली बार तो धुंधकारी की मुक्ति हुई विधि पूर्वक पाठ करने से, और दूसरी बार ये सामाजिक भौतिक रूपता इसमें यही है कि समाज का समाज जो है सुखी हो गया और दुर्गति से मुक्त हो गया, सामाजिक लाभ हुआ। ये सब कथा सुना करके शनकादिकों ने नारद जी से ये कहा कि नारद जी अब तुम भी भक्ति की परिपुष्टि के लिए संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, और उसके लिए उन्होंने गंगा तट बताया। वैसे विधि में ये बात कही गई है कि भागवत जब सुनने को मिल जाए तभी सुनना चाहिए, उसमें काल का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल जो है ये तो खंड खंड काल तो कल्पना के अनुसार होते हैं, अखंड जो काल है वो तो एक ही है और हमेशा सब में एक रहता है। नारायण काल को द्रव्य मानने वाले तो केवल नारायण न्याय वैशेषिक जैन और मीमांसक हैं, बाकी सब जो है तो वो तो काल को द्रव्य मान नहीं मानते हैं। कोई मानता है भगवान का संकल्प है काल, और कोई मानता है महत्त्व की वृत्ति है काल, कोई मानता है अविद्या की वृत्ति है काल, कोई मानता है कि ये तो केवल क्रम जो मालूम पड़ता है पदार्थों में, इससे काल का अनुमान होता है, काल कोई वस्तुता पदार्थ नहीं है। इस तरह काल के संबंध में अनेक भगवान की ये शक्ति है, ये चेष्टा है, ये संकल्प है। तो बाबा ये ख्याल नहीं करना कि कब हम भागवत सुन रहे हैं, जब मिल जाए दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, हर समय भागवत का श्रवण किया जा सकता है। और देश के संबंध में ये नियम है कि वैसे गंगा आदि का तट बड़ा पवित्र स्थान है, पर जहां भी भागवत श्रवण करने के लिए मिल जाए वो स्थान ही पवित्र हो जाता है। और व्यक्ति का भी विचार मत करो कि सुनाने वाला कौन है, भागवत सुनने को चाहिए, सिर्फ और श्रीमद् भागवत की बात आनी चाहिए। अब भागवत श्रवण करने में यदि भोजन से अनुकूलता रहती हो तो खूब भोजन करना चाहिए हो और सुनना चाहिए, और यदि उपवास से मन लगता हो तो उपवास करके रहना चाहिए, एक बार खा के रहना चाहिए, धरती में सो के रहना चाहिए, अमुक अमुक जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, और अमुक अमुक लोगों से दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए, किसी की बेटी की बहू की राजनीति की ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपना मन पूरी तरह से श्रीमद् भागवत में लगा करके श्रवण करना चाहिए। नारद जी ने आयोजन किया महाराज श्रीमद् भागवत का गंगा जी के आनंद तट पर। जो लोग अपने को बड़ा समझते थे उनको भृगु जी ने आमंत्रित कर करके बुलाया, वैसे विश्व के तीनों लोक के सात ऋषि महर्षि जो है वहां इकट्ठे हो गए, और नारायण वहां उन्होंने भक्ति के कल्याण के लिए बड़ा भारी भागवत का अनुष्ठान किया। सब वेद शास्त्र पुराण वहां आए और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आए, और नारायण जब भक्ति का विलास सबके हृदय में जब हुआ तो उस समय साक्षात भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़ करके वहां आए, ब्रह्मा आए, नारायण शंकर जी आए, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। ब्रह्मा जी की पत्नी तो पहले ही आ गई थी, उनका नाम सरस्वती है, तो वाचाल है वो नाम है, तो भागवत की कथा होवे कैसे, वो तो पहले ही आ गए थे, लेकिन शंकर जी तो भवानी को लेकर आए, विष्णु लक्ष्मी को लेकर के आए, और इंद्रादि देवता आए, और महाराज सुखदेव जी धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए 16 बरस की उनकी उम्र, और श्याम वर्ण और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए नारायण और शरीर में रोमांच भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए अवधूत के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज आए। सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, और वहां भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। अब उसमें प्रहलाद जी तो महाराज तबला बजाएं,
प्रहलाद जी तबला बजावे और इस तरह से नारद जी जो है वो अपनी वीणा बजावे और कोई नारद कोई बाजा कोई मृदंग बजावे कोई भाव बतावे और भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां सबके बीच में प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। और भगवान ने अंत में ये वरदान दिया कि जहां जहां भागवत होगा वहां वहां हम सब लोग आवेंगे, सब देवता आवेंगे, सब ऋषि आवेंगे, नारायण भक्ति ज्ञान वैराग्य आवेंगे, वहां लक्ष्मी आवेंगे सबको धनाढ्य बनाने के लिए, वहां पार्वती आवेंगी सबकी दुर्गा सबकी रक्षा करने के लिए, वहां सरस्वती आवेंगी सबको ज्ञान देने के लिए, और जहां जहां ये श्रीमद् भागवत होगा वहां परम कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत श्रवण करता रहेगा, भागवत में बैठ करके श्रवण करेगा, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जो पुत्र चाहेगा उसको पुत्र मिलेगा, जो धन चाहेगा उसको धन मिलेगा, जो अपनी आयु की वृद्धि चाहेगा उसकी आयु को की वृद्धि मिलेगी, जो रोग की निवृत्ति चाहेगा उसको रोग की निवृत्ति होगी, और नारायण जो अल्पायु है वो दीर्घायु हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रसमय स्वरूप है और इसका मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, कथा चित्तः अपने मन को कथा में लगा देना चाहिए। आगे अभी कथा आवेगी श्रीमद् भागवत की, जब मैं सुनाऊंगा तो जैसी जैसी कथा होती जाए उसमें अपने मन को साथ साथ घुमाते चलना चाहिए, और जितनी देर भागवत की कथा में बैठे कम से कम उतनी देर संसार की चिंता को बाहर फेंक दें और खूब आनंद से बैठ करके सुने। इसका श्रवण ही ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही उपदेश किया कि नारद जी तुम ये संकल्प करो कि जो जो श्रीमद् भागवत श्रवण करे उसके हृदय में भगवान की भक्ति आवे। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यधिका अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। जैसे कर्म के प्रारंभ में संकल्प होता है, पहले ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं और उसके बाद वो यज्ञ जागा भी पूजा पाठ आदि कराते हैं, पहले संकल्प होना चाहिए। तो संकल्प में क्या होता है, पहले भगवान का स्मरण होता है, फिर ये समय अनुकूल है इस बात का चिंतन होता है, उसके बाद ये स्थान अनुकूल है इसका चिंतन होता है, और फिर जजमान कौन है उसकी परंपरा कैसी है इसका चिंतन होता है, हमारा वंश कैसा है खानदान कैसा है। आपको कोई भी काम करना हो तो भगवान का स्मरण करके परिस्थिति के अनुसार उचित देश में और जिसके बारे में परंपरागत अपना ज्ञान हो वो कर्म, और एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और खास विधि के द्वारा नारायण और खास करने वाले श्रमिकों के द्वारा जैसे करते हैं ऐसे उस कर्म को करें आप, आपको सफलता मिलेगी। वो संकल्प माने योजना हो, जैसे योजना बनाते हैं इस प्रकार योजनाबद्ध कर्म करने की प्रक्रिया। तो आप अपने जीवन के संबंध में एक संकल्प कीजिए और उस संकल्प के अनुसार श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए, ये आपके संकल्प को ऐसा बना देगा कि वो मूर्तिमान होकर आपके जीवन में प्रकट हो जाए। अब आगे का जो प्रसंग है वो आपको सायंकाल 5:30 से 7 बजे तक सुना देंगे, और कल सुबह यहाँ 7:30 से कीर्तन भजन होता रहेगा, 7:45 बजे श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन से बच्चू भाई सब लोगों को लेकर के यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ 7:45 से श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होगी, और 9 बजे के स्थान पर अब 9:15 तक जाएंगे। ओम शांति शांति।
श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगत्ता
सारे श्रीमद् भागवत के सार का अभिप्राय का वर्णन कर देता है। इसमें पद का प्रयोग है, इसलिए गायत्री का सार इस श्लोक में है ये बताते हैं। सवितुर माने सवितुर पद का ऐसी एक पद का उपनिषदों में जो बताया कि परमेश्वर से जगत की सृष्टि हुई उसका भी इसमें वर्णन है। ये जो संसार विचित्र संसार दिखाई पड़ता है जिसमें तरह तरह के मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये पर्वत हैं, जंगल हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, ये कोई अज्ञात शक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके निर्माता तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान ही है। जड़ से इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतनी सुंदर रचना, इतनी अचिंत्य रचना सिवाय भगवान के और किसी के द्वारा संपन्न नहीं हो सकती। यदि समुद्र जिस स्तर पर रहता है, यदि इससे ये 2 फुट ऊपर होता तो चंद्रमा के आकर्षण से इतना उछलता कि इसके किनारे पर कोई बस्ती नहीं बस सकती थी। यदि सूर्य जितनी दूरी पर धरती से रहता है, यदि उससे 2 फुट भी पास होता तो इतनी गर्मी पड़ती धरती पर कि लोग जल जाते। इतनी व्यवस्था के साथ ये जो सृष्टि बनाई गई है, ये साक्षात भगवान के द्वारा ही बनाई गई है और भगवान ने ये सृष्टि किसी दूसरी चीज से नहीं बनाई है। जैसे कुम्हार बनाता है घड़ा तो मिट्टी से घड़ा बनाता है और कुम्हार खुद अलग रहता है, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में सदैव सर्वमेव अग्रे आसीत्, एकमात्र परमात्मा ही था, उसने किसी दूसरी चीज से दुनिया नहीं बनाई, अपने आप से ही स्वयं कुम्हार है और स्वयं माटी है और उसी से ये ब्रह्मांड घट बना हुआ है। इसलिए परमात्मा के बिना ये दुनिया हो नहीं सकती और परमात्मा इस दुनिया के बिगड़ जाने पर भी, जैसे घड़ा के फूट जाने पर भी मिट्टी रहती है, इस प्रकार परमात्मा रहता है। तो नारायण वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और उसने जानबूझकर की ये रचना की है और न केवल आकारों की सकल सूरत ही उसने नहीं बनाई है बल्कि जो लोगों के हृदय में ज्ञान है वो भी उसने दिया है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय इतना श्रेष्ठ ज्ञान और दूसरा कोई दे नहीं सकता है। तो ये जो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ईश्वर के सिवाय ये कोई दूसरी चीज है या ईश्वर कहीं हमसे बहुत दूर रहता है, हमारे मन में आता है ईश्वर कहीं दूर होगा, नहीं ईश्वर में दूरी नहीं है। अच्छा, ईश्वर के मिलने में देर होगी, देरी भी नहीं है और ईश्वर कोई दूसरा भी नहीं है, केवल हम उसको पहचानते नहीं है, न पहचानने के कारण सामने रहता हुआ भी ईश्वर हमारी पहचान हमको मिलता है। ईश्वर कहीं गया नहीं है, कहीं पीछे नहीं छूट गया है, कहीं आगे नहीं चला गया है, कहीं दूर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ईश्वर तो यही है, अभी है, यही है, अपना स्वरूप ही है, परंतु अज्ञान के कारण उसका बोध नहीं होता। उसी अज्ञान को दूर करने के लिए ये परमात्मा का प्रकाश, ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है, जिससे हम अपनी पूर्णता को समझ जाए। हम अपने को इतना दरिद्र समझते हैं, पैसा ना हो तो दरिद्र, मकान ना हो तो दरिद्र, परिवार ना हो तो दरिद्र, शरीर में पूर्णता ना हो तो दरिद्र, नहीं, हम अपनी ईश्वरता को जो हमारे आत्मा में ही, हमारे हृदय में ही भरपूर है, अपनी पूर्णता को हम समझ लें तो
तो किसी भी वस्तु के न होने से अपने में हीनता का अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैसा जो सत्य परमात्मा है, जिसमें न माया है, न छाया है, न अविद्या है, न ज्ञान है, सच्चिदानंद ध्यान जो प्रभु है, उसका, उस परम सत्य का, आत्मरूप सत्य का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा मंगलाचरण हुआ और साथ ही साथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन भी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किया गया। भागवत की विशेषता बताते हैं कि देखो, किसी से पूछने जाओ कि धर्म क्या है, तो वो बतावेगा यहाँ करोगे धर्म और परलोक में तुमको धर्म का फल मिलेगा, अथवा धर्म करेगा तो हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, ऐसा सोच के धर्म करेगा। भागवत में ऐसे धर्म का वर्णन है जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ये बिल्कुल निस्वार्थ धर्म है, तो निष्कपट धर्म होने के कारण भागवत श्रेष्ठ है। इसमें परम धर्म का वर्णन है और इस धर्म के द्वारा जब अपना हृदय शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। और ऐसी वस्तु का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार मानो दर्शन, ऐसी मिल जाती है वस्तु जिसमें परम कल्याण की प्राप्ति हो और अपने जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं वे सब के सब दूर हो जाते हैं। दुख हमारे बनाए हुए होते हैं, दुख कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, ये तो प्रज्ञापराधा दुख प्रतिज्ञा। जिसको हम दुनिया में दुख कहते हैं वो दुख क्या है, हमारी समझ का कसूर है। जब हम किसी बात को ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो उसमें दुख की कल्पना कर बैठते हैं। यदि किसी भी वस्तु के तह में हम प्रवेश करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि उसमें दुख नहीं है, उसमें तो सुख है, उसमें तो परमात्मा है। कहीं न कहीं से भगवान ने हमको छुड़ाया है, किसी न किसी बंधन से मुक्त किया है। हम तो मोह के कारण दुखी होते हैं, आसक्ति के कारण, राग के कारण दुखी होते हैं, किसी की मोहब्बत में फंस जाते हैं इसलिए दुखी होते हैं। वो मोहब्बत चाहे हीरे मोती से हो और चाहे आदमी से हो, और किसी से हम नफरत दुश्मनी कर बैठते हैं इसलिए दुखी होते हैं। वो नफरत चाहे जड़ से हो चाहे चेतन से हो, जिसके हृदय में मोह होगा वो दुखी होगा, जिसके हृदय में राग होगा वो दुखी होगा, जिसके हृदय में द्वेष होगा वो दुखी होगा। यदि अपने हृदय में परमात्मा आ जाए तो दुख की गंध भी नहीं रहेगी। उस परमात्मा का साक्षात्कार इस भागवत के द्वारा होता है। तो इसमें जो कर्तव्य बताए हैं धर्म, वे भी निस्वार्थ है। इससे जो परमात्मा मिलता है वो सच्चा होता है और इसके जो बचता है वो साक्षात नारायण है। और तो आपको क्या सुना मैं, यदि श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा हो जाए तो आप ये बात सच्ची समझो, दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी धर्म हैं वे परमात्मा पर कुछ पर्दा डाल के कुछ आड़ से परमात्मा को बताते हैं और देर में परमात्मा मिले ऐसा साधन बताते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत को ऐसा है कि यदि आप सुनने की इच्छा करो, चलो भाई चलो श्रीमद् भागवत सुने, तो भाई भागवत में क्या सुनेंगे, तो भागवत में सुनेंगे कि एक श्री जमुना मैया नदी के रूप में बहती हैं और सांवला सांवला उनका जल है, और जहाँ जल रुक जाता है उसमें कमल खिलते हैं, और उनके पास बालुका का बालुका बड़ा भारी कुलीन है और उसमें हजारों लाखों गमले चलते हैं और उनमें ग्वाल बाल खेलते हैं, और उनके बीच में एक सांवरा सांवरा सरोवर मंद मंद मुस्काता हुआ, वो प्रेम भरी आंख से देखता हुआ, वो बांसुरी बजाता हुआ, वो पीतांबर फहराता हुआ, तो वो नृत्य करता है उस जमुना जी के तट पर सामने
कदम्ब के वृक्ष हैं, हरी भरी लताएं हैं, गिरिराज हैं, आओ आओ चलो हम उसी श्याम सुंदर का चरित्र श्रवण करेंगे। जब ये बात मन में आती है तो श्याम सुंदर आकर हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आप पानी पीना चाहें तो पानी आपके हृदय में नहीं आएगा, क्योंकि वो जड़ है, उसको मालूम नहीं है कि हमको कौन पीना चाहता है, और उसको वो दूर है, पास भी नहीं है, आना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही रहते हैं। भगवान की पहचान ये है कि जहाँ से हमारे मन में वृत्तियों का उदय होता है, इच्छाएं होती हैं, वहाँ भगवान बैठा हुआ है। हमारी बुद्धि और हमारे दोनों के बीच में, बुद्धि को तो वो चलाता रहता है अपनी शक्ति से, अपने संविधान से, और हम दृष्टा के रूप में उसके उस चलाने को देखते रहते हैं। इतना नजदीक है परमेश्वर, जब तक वो बुद्धि का संचालन करता है परमेश्वर, और बुद्धि मिट गई तो परमेश्वर और हम में कोई भेद नहीं होता है। तो आप एक बार भगवान की लीला, भगवान के चरित्र का श्रवण का संकल्प करो। जैसे जसोदा मैया ने श्याम सुंदर को उखल में बांध लिया था, वैसे आप अपनी इच्छा, अपने प्रेम की रस्सी से अपने हृदय में भगवान को बांध लेंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते, जब आपके मन में भगवान की कथा सुनने की सच्ची इच्छा का उदय होगा, उसी समय आपके हृदय में भगवान का दर्शन होने लगेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक आपकी ये इच्छा बनी रहेगी। ये श्रीमद् भागवत क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ये पहले से ही स्पर्श किया हुआ है। वेद एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष उसको कहते हैं कि जिसके नीचे जाकर हम जो संकल्प करें, जो इच्छा करें, वो पूरी हो जाती है। ये समुद्र के बंधन से 14 रत्नों में से एक रत्न निकला हुआ है कल्प वृक्ष, तो उसके नीचे जो इच्छा करें वो पूरी होती है। बड़े बड़े महात्मा गए, किसी ने कहा आपको द्वैत चाहिए, किसी ने कहा आपको अद्वैत चाहिए, किसी ने कहा द्वैताद्वैत चाहिए, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत चाहिए। अब महाराज सुखदेव जी पहुंचे और उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, जाके कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और बोल और सुनाता हूँ। आप और मुख्य रेश में सावरे सलोने
जैसा श्री कृष्ण का रूप है उससे मिलता जुलता ही सुखदेव जी का स्वरूप है। कल्पवृक्ष के नीचे पहुंच गए, उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं, तो कल्पवृक्ष ने स्वयं पूछा, आपको क्या चाहिए, आपको क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि भाई हमको तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो ऐसे घूमते फिरते तुम्हारे पीछे आ गए हैं, हमको तो मालूम भी नहीं था कि तुम कल्प वृक्ष हो, सब कुछ दे सकते हो। कल्प वृक्ष ने कहा कि ऐसा जब व्यक्ति हमारे नीचे आ गया जो अद्भुत है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, मांगने वाले तो दरिद्र होते हैं, तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये तो पूर्णता का स्वरूप है, इसको कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज हो वही इसको देना चाहिए। तो वो वेद रूप कल्प वृक्ष, उन्होंने एक फल बड़ा सुंदर उनके सामने गिराया और सुखदेव जी ने उसको ले लिया, वो ग्रहण कर लिया। वो फल कैसा था कि जैसे किसी को आम मिले खाने को तो ऊपर से छिलका होगा तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, और भीतर बीज होगा तो उसको भी निकाल के फेंकना पड़ेगा, परंतु जो फल दिया कल्प वृक्ष ने, वेद रूपी कल्प वृक्ष ने, उसमें कोई छिलका नहीं था, माने उसका जो रस था वो किसी पर्दे के भीतर आवरण में रखा हुआ नहीं था, अनावृत रस था, बिना आवरण का, बिना पर्दे का रस था, और उसमें बीज नहीं था कि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष का उदय हो, एक जन्म से दूसरे जन्म का उदय हो, वो रस रूप फल था, माने उसमें कुछ भी छिलका या बीज के रूप में प्यार भी नहीं था, और नारायण और वो बिखरने वाला भी नहीं था, और संपूर्ण वेदों का फल था। सुखदेव जी ने देखा, देखा रे ये तो कोई नई चीज नहीं है, वेद कल्प वृक्ष तुमने जो दिया वो तो सुखम उत्पाद अमृतम द्रव संयोतम, पहले से ही मैंने चख रखा है, इसका स्वाद ले रखा है, हमको तो इसका अनुभव है, ये तो अमृतमय है। सूत जी ने लोगों को पुकार के कहा कि देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो रस है, ये जो फल है, रस रूप फल है, ये क्या है? ये भागवत है, ये भागवत वही वेदों का सार, वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है जो आपके सामने आया है। सो नारायण, इसको ये रस ही है, ये फल ही है, जब तक होश आवास रहे तब तक इसको पियो, ये भागवतामृत का पान करो, ये मरने के बाद वाला फल नहीं है, जो फल मरने के बाद मिलता है उसको कौन जानता है, कौन देखता है। असल में स्वर्ग नरक का जो वर्णन मिलता है शास्त्र में, वो इसलिए होता है, मीमांसा शास्त्र का ये निश्चय है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। स्वर्ग से हमारा अभिप्राय ये है कि स्वर्ग मिलने के लिए जो काम करने चाहिए वो बहुत अच्छे काम है, आप इसी जीवन में करें, और स्वर्ग मिले कि न मिले इस बात को छोड़ दें, आप अच्छे अच्छे काम करें, और जिन कामों से नरक मिलते हैं उनके बारे में ये शास्त्र का निश्चय है, नरक हो कि न मिले, हो और मिले कि न मिले, लेकिन नरक में जाने वाले जो काम है, जिन कामों के करने से हम नरक में जाते हैं, वे काम हमको नहीं करना चाहिए। सारे शास्त्र मनुष्य के इसी जीवन के लिए होते हैं कि ये काम मत करो इससे नरक मिलेगा, ये काम करो इससे स्वर्ग मिलेगा। शास्त्र का तात्पर्य नरक और स्वर्ग के प्रतिपादन में नहीं है, मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ कर्म हो इसके लिए है। सो महाराज, ये श्रीमद् भागवत इस मर्त्य लोक का अमृत रस है, ये अमृत फल है, इसमें न पुनर्जन्म है, न स्वर्ग है, न नरक है, और नारायण इसमें इसमें रस ही रस है। यदि आप परलोक बनाना चाहें तो भी इसको पीजिए, और यदि आप इस लोक को बनाना चाहते हो तो भी इसको पीजिए, और परमार्थ की प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको पीजिए,
किसी भी प्रकार ये छोड़ने लायक नहीं है। ये रसामृत प्रवाह में स्थित होकर के सुखदेव जी ने ये कथा कही है। इसलिए जो भाग्यवान पुरुष है, भाग्यवान भाग्यवती स्त्री है, स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके लिए श्रीमद् भागवत में तो जीव शब्द का ही प्रयोग होता है, आत्मा शब्द का ही प्रयोग होता है, सबके लिए ये बिल्कुल सुलभ है। तो इस कथा का प्रसंग सुनाते हैं, नैमिषारण्य की बात आपको सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने बिल्कुल निरापद करके उस स्थान को बता दिया है कि आप आओ, इस ग्रंथ का श्रवण करो। एक दिन श्रवण काल ऋषि प्रातः काल अपने अग्नि मुद्र आदि करके सूर्य जी के पास आए। श्रवण काल ऋषि श्रेष्ठ है और सूत जी कनिष्ठ है, छोटे सौनकादि ऋषि सूत को प्रणाम नहीं करते हैं और उनको आशीर्वाद ही देते हैं, क्योंकि सौनकादि ऋषि ब्राह्मण है और सूत जो है वो शुद्ध ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं हुए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा जिससे भी सुनने को मिले, भगवान की चर्चा जिससे भी सुनने को मिले, उसकी जात पात मत देखो। ये मत देखो कि वो चिड़िया है तोता है, कि वो कौवा है काग हो सकती है, उसके रंग रूप को भी मत देखो और उसकी जात पात को भी मत देखो, उसके विद्या बुद्धि को भी मत देखो। ये देखो कि वो भगवान का यश, भगवान का चरित्र श्रवण करा रहा है। उसके सुनने के समय हाँ हृदय के अंदर हो जाए, आपको में आंसू आ जाए, नारायण अपना मन संसार से हट कर भगवान में लग जाए। ऋषियों ने जाकर आपने सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है सूत जी, इसलिए बताओ कि सब शास्त्रों का सार सार अर्थ क्या है। हम दुनिया में देखते हैं लोग बहुत दुखी हैं, कोई भले लोगों के सामने शान बढ़ा रहे कि हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े धनी हैं, महाराज धन है जिनके पास बहुत महल है बहुत, तो उनके परिवार में क्लेश है और जिनका परिवार सुखी है नारायण उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होते हैं तो उनके स्वयं अपने मन में दुख होता है। एक के मन के अनुसार दूसरा चलता नहीं तो इससे दुख होता है। नारायण और इच्छित भोग नहीं मिलता है, इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, अपने अभिमान की पूर्ति नहीं होती है, मनोराज्य के अनुसार काम नहीं होता है, जो करना चाहते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, तो दुख तो महाराज घेरे हुए है सब लोगों को। दुख की आशा से करते हैं काम और उसमें आ जाता है दुख, चाहते हैं कि मिले सुख और मिलता है दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए काम करते हैं परंतु उसमें दुख आ जाता है, मन तृप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान है उसका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है नारायण, वे भी विरक्त होकर शांत होकर, और न उनके पास धन है न जन है न मकान है, कोई परिग्रह नहीं है, तब भी भगवान के सहारे वे बहुत सुखी रहते हैं। तो ये तो नियम नहीं बना कि जिसके पास बहुत संपदा हो वह सुखी हो, बहुत संपदा वाला बहुत बढ़िया हाथी घोड़े रख सकता है, बहुत संपदा वाला बहुत बढ़िया मकान बना सकता है, बहुत ऐश्वर्य वाला राजा महाराजा रात को नींद नहीं आ रही गोली खा रहे नारायण। हृदय को बनाने वाली चीज जो है वो श्रीमद् भागवत है। ये जो कपड़ा बनाने वाला है, ये जो रुई साफ करने वाला है, सीमेंट बनाने वाला, ये जो श्रम है ये बाहर की वस्तुओं को साफ करता है, लेकिन ये जो धर्म है ये तो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करने वाला है। उन्होंने पूछा ये हमारे हृदय में जो दुख है, क्योंकि आप जानते हैं दुख तो मन में ही होता है, मन के बाहर तो दुख नहीं होता। इसी से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी के शरीर में पीड़ा हो या दुखी हो तो ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसी गोली खिला देते हैं कि उसको नींद आ जाए,
जब मन को नींद आ जाएगी तो दुनिया का कोई दुख मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब मन जागता है तभी हमको दुनिया का दुख सुख होता है, और जब मन सो जाता है तब दुनिया का दुख सुख नहीं होता। तो नियम यह है, जिसके रहने पर जो चीज हो और जिसके न रहने पर न हो, वो चीज उससे जुदा नहीं होती है। तो हम लोगों के जीवन में जितना भी सुख दुख है वो मन के कारण है। सो नारायण, हमें चाहिए कि अपने मन को भगवान में लगावे। फिर उन्होंने कहा कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, वे समय समय पर अवतार क्यों धारण करते हैं? देवकी और वसुदेव से उन्होंने किस लिए जन्म ग्रहण किया? जसोदा नंद के आंगन में क्यों खेलते रहे? और हम सो आप भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र का हमको श्रवण कराइए, सौनकादिकों ने प्रश्न किया, जिससे हमारा हृदय तत्काल प्रसन्न हो जाता है। श्रवण, जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और चित्त में प्रसन्नता